चैनल के नाम से है, ठीक है। और उसके बाद अपने दोस्तों के पास इस चैनल को लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। क्या चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे? विटामिन। विटामिन क्या है और हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। विटामिन जो होता है, यह क्या होता है आपका, कार्बनिक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। क्या हो? कार्बन प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे? कार्बनिक कहेंगे, ठीक है। तो आपका विटामिन क्या होता है? ये कार्बनिक होता है, ठीक। दूसरा नंबर पे आपका है जो, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं शरीर को, ठीक है। कई प्रकार के बीमारियों से बचाते हैं या लड़ने का काम करते हैं विटामिन, ठीक। जो विटामिन है, इसकी कमी से अपूर्णता रोग होता है। क्या होता है? अपूर्णता रोग। अपूर्णता का मतलब किसी चीज के हमारे शरीर में कमी होना, वो दर्शाता है, ठीक है। और वो क्या चीज जो कमी होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? विटामिन कहेंगे। हमारे शरीर में विटामिन की कमी को ही डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है? अपूर्णता रोग को दर्शाता है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो विटामिन होते हैं, इसे हम वृद्धि कारक, ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन शब्द की खोज किसने किया था, तो आपके फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन शब्द का खोज किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद शब्द दिया था, सॉरी, विटामिन शब्द किसने दिया था, तो फंक वैज्ञानिक नाम दिया था। देन उसके बाद करेंगे विटामिन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे एन आई ल्यूनिंग ने, ठीक है। एन आई ल्यूनिंग, अगर एन आई भी आपको भूल जाता तो केवल इतना याद रखिएगा, ल्यूनिंग नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द की खोज की। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। क्या कहना है इसमें हम जानेंगे कि विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विटामिन होता है, वह घुलनशीलता के आधार पर दो तरह के विटामिन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसमें पहला आपका है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा नंबर पे है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, और एक है जो सेकेंड वसा वाला, उसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आपका जल में घुलनशील विटामिन जो आता है वो है आपका बी एंड सी, और वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए एंड डी, ई एंड के विटामिन, ठीक है। तो ये आपका क्या है? विटामिन है दो प्रकार के, ठीक। उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट है, इसमें विटामिन बी के बारे में हम जानेंगे कि विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपका जो है विटामिन बी, इसको हम क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी को किस नाम से जानते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन बी के फॉर्म होते हैं, जैसे बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी ट्वेल्व, ये सब क्या है आपके? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो बहुत सारे इसमें विटामिन पाए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, इसमें पहला विटामिन का नाम है बी वन। क्या है आपका? बी वन। इसको हम किस नाम से जाने जाते हैं? थायमिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन बी वन को थायमिन के नाम से जानते हैं, और इससे होने वाला रोग का नाम क्या है? बेरी बेरी रोग, ठीक है। विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? बेरी बेरी, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है? अगर हम हरी सब्जी या दूध, मांस और अनाज के छिलके, ये सब जब खाते हैं, तो हमारे बेरी बेरी जो रोग हो रहा है, ये थायमिन की पूर्ति कर देती है शरीर में, जिसकी वजह से यह बीमारी नहीं होती है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे विटामिन बी टू का। इसका नाम है जो राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। इससे होने वाले रोग क्या है जो हमारे शरीर में होता है? होंठ और त्वचा का फटना। विटामिन बी टू के कमी से हमारे शरीर के होंठ फट जाते हैं और त्वचा भी फटने लगते हैं, जिसमें त्वचा में क्रैकिंग आना शुरू हो जाता है, ठीक। इसका जो स्रोत है, हरी पत्तियां, पनीर, गेहूं, गेहूं की रोटी, मांस, ये सब जब खाते हैं तो इस विटामिन की हमारे शरीर में पूर्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी थ्री का, जिसका नाम है पेंटाथोनिक, ठीक है। बी थ्री विटामिन का नाम है पेंटाथोनिक। इस पेंटाथोनिक के कमी से हमारे बाल का पकना और बाल का सफेद होना, ये इस विटामिन की कमी से होता है, ठीक। आपका क्या है? बी थ्री विटामिन से आपका क्या शरीर में कमी होती है? बाल का पकना और बालों में सफेदी आना, ये विटामिन बी थ्री के कमी से होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? टमाटर, दूध, मांस, अंडे, ये सब, और मीट में जैसे बकरे या मुर्गे के यकृत, लीवर जो होता है, ब्रिक होता है, उसको खाते हैं, तो वो विटामिन की पूर्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विटामिन बी फाइव की, किसकी बात करेंगे? बी फाइव की। तो इसमें आपका जो है विटामिन बी फाइव में आपका जो है वो है आपका निकोटीनामाइड, निकोटीनिक,
ठीक है। विटामिन बी फाइव को किस नाम से जाना जाता है, निकोटिनिक या निकोटिनामाइड के नाम से, ठीक है। ये इसके कमी से क्या रोग होता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ी, जैसे जीभ में छाला पड़ना, विटामिन बी फाइव या निकोटीन की कमी से, निकोटिनिक कमी से, जिसको हम पहला ग्रह रोग भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है पहला ग्रह रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो बी फाइव के या निकोटिनिक विटामिन से, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन बी सिक्स, क्या है विटामिन बी सिक्स, इसका किस नाम से जानते हैं, पायरीडॉक्सिन के नाम से। विटामिन बी सिक्स को क्या कहते हैं, पायरीडॉक्सिन, ठीक है। इस पायरीडॉक्सिन विटामिन से हमारे शरीर में चर्म रोग होता है, जैसे कि मुख के दोनों साइड में फटना, जैसे हमारे होठ है और मुख है, मुख के दोनों साइड में देखते हैं कभी कभी फट जाता है, दरारें पड़ जाती है, तो वो किसकी कमी से होती है, तो पायरीडॉक्सिन विटामिन, जिसे बी सिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी सिक्स विटामिन हो गया। बी सिक्स में इसका जो स्रोत होता है वो है आपका दूध, फल, सब्जियां, अनाज, मांस, ये सब खाने से, या आपका है ईस्ट, ये सब खाने से आपका इस शरीर में बी सिक्स की पूर्ति होती है, ठीक है। जब ये चीज हमारे बी सिक्स हमारे शरीर में रहेगा तो ये रोग बहुत ही कम देखने को मिलेगा हमारे शरीर में, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी सेवन की, इसको बायोटिन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी एच भी कहा जाता है, विटामिन एच भी कहा जाता है बी सेवन को, ठीक, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। देन उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन ट्वेल्व का, नहीं बी इलेवन का, बी ग्यारह विटामिन को हम किस नाम से जानते हैं, फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक। इससे एनीमिया रोग होता है, जो पाचन शक्ति को हमारे कम कर देता है, पाचन शक्ति खराब हो जाती है किसकी कमी से, फोलिक एसिड से, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन बी ट्वेल्व, इसको हम किस नाम से जानते हैं, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन, इस विटामिन से हमारे शरीर में कोबाल्ट उपस्थित करता है, ठीक है। अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो हमारे शरीर में साइनोकोबालामिन की कमी हो जाती है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका विटामिन, आपका क्या है, सी है, विटामिन सी है, उस विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं, स्कर्विक एसिड, किस नाम से जानते हैं, स्कर्विक एसिड। इससे हमारे मुख के मसूड़ों में रक्त आने लगता है, जो दांत के मसूड़े होते हैं उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो वो किसकी कमी से, विटामिन सी के, और ये क्या करता है, हमारे घाव को भरता है, हमारे चमड़ी में जो घाव होता है उसको भरने का काम करता है। अब विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, खट्टे चीज में, किस में, खट्टे चीज़ों में, खट्टे चीज़ों में, जैसे नींबू हो गया, क्या हो गया, नींबू, नींबू में आपका क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, आपका नींबू में, ठीक है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो है आपका क्या है, आपका खट्टा नींबू है, खट्टा नींबू, नींबू में पाया जाता है। और उसके बाद आपका आंवला में पाया जाता है, आंवला में, ठीक है, आंवला में पाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो है विटामिन ए डी ई के बारे में, तो ये कौन सा विटामिन है आपका, ये जो विटामिन है वो आपका है, क्या नाम है उसका विटामिन का, वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसमें चार विटामिन है मुख्यतः, तो पहला आपका जो विटामिन है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस, हमारे शरीर में क्या हो गया, आंख में ब्लाइंडनेस, ये आंख पे, आंख के पुतली पर एक लेयर बन जाता है और उससे हमारे शरीर पर, आंखों पर प्रभाव डाल देता है और कम दिखाई देने लगता है, उसी को हम कहते हैं रतौंधी हो गया, रतौंधी, ठीक है। ये विटामिन ए की कमी से, इसकी आपूर्ति के लिए स्रोत क्या है, तो सबसे ज्यादा हम पीले पदार्थ का यूज करते हैं, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, इसके लिए हम विटामिन ए को पाने के लिए आम, गाजर, पपीता, ये सब पीले पदार्थ जितने भी खाने वाले फल हैं उसका सेवन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अंडा खाते हैं, अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरा सब्जी, ये सब विटामिन ए के स्रोत में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पीले वस्तु में पाए जाते हैं, पीले फलों में पाए जाते हैं। देन उसके बाद करेंगे विटामिन डी की, इसका नाम जो है कैल्सीफेराल है। विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं, कैल्सीफेराल। इसके कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूखा रोग। हमारे शरीर में सूखा रोग किसके कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। इसका मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य की रोशनी होता है, क्या है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, लाइट से। तो इसीलिए सुबह कहा जाता है, सुबह में 10 से 15 मिनट धूप का आनंद लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ये एनर्जी प्राप्त हो, विटामिन डी की पूर्ति हो, ठीक है। और उसका अन्य स्रोत जो है अंडा है, मछली के तेल है, इसमें भी आपका विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हड्डियों और दांतों की स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, ठीक है।
तो ये जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस मेन है जो हमारे दांत को और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, ठीक है। देन उसके बाद करेंगे हम विटामिन ई की, इसका नाम है टोकोफेराल। टोकोफेराल इसलिए कहते हैं, देखते हैं हमारे जो भी भाई हैं बहुत सारे लोगों में इसकी कमी पाई जाती है विटामिन ई की, तो क्या होता है इससे नपुंसकता हो जाती है, जिसमें जनन क्रिया करते समय हमारे उन लोग के लड़के नहीं पैदा होते हैं, तो वो विटामिन ई की कमी से होता है। तो लोग बहुत दिन जब हो जाता है लड़के बच्चे नहीं होते हैं तो टोकना शुरू कर देते हैं कि भैया क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक, तो ये सब बहुत सारा गांव में सुनने को मिलता है, तो वो टोकना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उसका नाम टोकोफेराल रखा गया है। तो विटामिन ई की कमी से टोकोफेराल और क्या होता है शरीर में नपुंसकता हो जाता है और औरतों में क्या हो जाता है बांझपन का शिकार हो जाता है, उन लोग में भी कमी होता है, जिससे दोनों को हम किस नाम से जानते हैं जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। कौन से विटामिन से? ई की कमी से, जिसको हम टोकोफेराल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के है, और देखिए विटामिन ई की जो पूर्ति करने के लिए हम जर्मिनेशन वाले अनाज को, सीड को लेते हैं, क्या करते हैं जमे हुए अनाज को जैसे चना को भिगो करके अंकुरित करके खाते हैं, तो विटामिन ई की पूर्ति बहुत जल्दी होती है। गेहूं को जमा करके खाने पर हमारे शरीर में विटामिन ई की जल्दी से पूर्ति होती है, तो ये सब जमे हुए अनाज को हम खाते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन ई की पूर्ति होती है। तो इसके लिए बहुत ही मुख्य होता है चना, जर्मिनेशन चना और गेहूं, ये सब हरा सब्जी, अंडा, मांस, मछली, बादाम, ये सब आपका विटामिन की बहुत मुख्य स्रोत है। आपका विटामिन के बारे में जानेंगे, इसका नाम है फिल्लोक्यूनान। किस नाम से जानते हैं? फिल्लोक्यूनान। ये क्या करता है? रक्त रक्त का थक्का बनना, ये क्या करता है, इसकी कमी जब होती है ना तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने लगता है, ठीक है। तो उसको हम किस विटामिन के नाम से जानते हैं? के की कमी होगी तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। इसकी पूर्ति के लिए अंडा, मछली, मछली का तेल, सोयाबीन, टमाटर, हरा सब्जी, सोयाबीन जो खाते हैं ना सोयाबीन, उसमें हमारे सोयाबीन के सीड में 42% प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। अगर सोयाबीन की खली जो हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं गोल गोल सा होता है सोयाबीन, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, वो खली है सोयाबीन की, उसको खली बोलते हैं, उसमें उतना प्रोटीन नहीं पाया जाता जितना सीड में पाया जाता है। सोयाबीन के सीड में 42% प्रोटीन पाया जाता है और उसके खली में 3 से 4%, इससे ज़्यादा नहीं पाया जाता, ठीक है। तो सोयाबीन की सीड अगर भिगो के खाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें विटामिन और प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो ये विटामिन आपका पूरा हुआ, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए, अगर ज़्यादा आपकी किसी वीडियो का और चैप्टर का रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारे जो भी वीडियो आए आप तक तुरंत पहुँचे इसके लिए। और हम बता दें कि आप कमेंट जरूर करें इस वीडियो में, कमेंट जरूर करें अगर किसी चीज़ की आपकी आवश्यकता है किसी भी चैप्टर पे, किसी भी हाई स्कूल या इंटर लेवल की, तो आप ज़रूर बताएं। फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, आपकी वीडियो तुरंत पहुँचाया जाएगा। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक। उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके